हे गाइस, 27th of September 2024, 5:50 हुआ है अभी। आज का व्लॉग ना बहुत खास होने वाला है। ऐसा व्लॉग आपने नहीं देखा होगा अभी तक मेरा। बहुत आपको मजे आने वाले हैं। मैं अपनी फ्रेंड से आपको मिलाने वाली हूँ और चार फ्रेंड मेरी ऐसी हैं, हम पांच का ग्रुप है। तो हम लोग ना इतनी पार्टी करी है जब पिछली सर्दियाँ गई थी, और आज हम वही पार्टी करने वाले हैं, गेट टुगेदर करने वाले हैं। इस पार्टी में क्या होता है कि हर बंदा ना घर से एक एक दो दो डिश बना के लेके जाता है बच्चों के साथ, और फिर हम गेट टुगेदर करते हैं। बहुत मजे आते हैं, आपको देखने को मिलेगा। बच्चे के स्कूल आने के बाद 2:30 बजे के आसपास जाना है पार्टी में। तब तक मुझे अपने टारगेट कंप्लीट कर लेने हैं, इसलिए मैं सुबह लग चुकी हूँ अपनी पढ़ाई करने के लिए। रिवीजन करती हूँ, करंट अफेयर करती हूँ, कोई जेएस का पोर्शन कर लेती हूँ टाइम मिलता है तो। हस्बैंड यहाँ पे जिम से आ चुके हैं। और एक ना डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ इस वीडियो के लिए। ये वीडियो आपको ना तभी समझ में आएगा एंड में, जब मेरी फ्रेंड्स वाला वीडियो आएगा, जब आप हरियाणा से होंगे। आपको बाकी वैसे अच्छा लगेगा, लेकिन भाषा लैंग्वेज उसी को समझ में आएगी जो हरियाणा से है, बाकी को शायद लैंग्वेज समझ में नहीं आए। तो ये डिस्क्लेमर मैं पहले ही दे देती हूँ। यहाँ पे मैंने इनसे मंगाया था सुबह दूध, तो मैं बनाने वाली हूँ खीर। मेरी तरफ से जो ये पार्टी होगी, गेट टुगेदर होगा, उसमें मेरी तरफ से मेरी जो डिश होगी वो होगी एक स्वीट डिश, खीर। तो मैं दिखाती हूँ, बताती हूँ कि कैसे बनती है। मुझे आज ना एक बात याद आ रही है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, कि बिना समझ के भी हम कितने सच्चे थे। वो भी क्या दिन थे जब हम बच्चे थे। कभी कभी याद आता है ना कि यार वही दिन अच्छे थे जब हम बच्चे थे। लेकिन आपका बचपना ना खोना नहीं चाहिए। जब आपका बच्चा होता है तो उसके साथ भी आप बच्चे जैसा बच्चा बन सकते हो और वो लाइफ फिर से जी सकते हो। हम पांचों फ्रेंड मिलके उसी तरीके की लाइफ जीते हैं, बहुत हंसी मजाक करते हैं। और सही में यार, ऐसे दोस्तों को पाके ना सही में लगता है कि पैसा तो बस जीने के लिए होता है, हंसने के लिए तो हमेशा दोस्त की जरूरत पड़ती है। और ऐसे ही मेरे दोस्तों से मैं आप सबको मिलाने वाली हूँ। यहाँ पे एक साइड मैंने खीर रखी थी, एक साइड मैंने जूस बना दिया था, जो मेरा रोज का डेली का सुबह का काम है। सुबह की शुरुआत नॉर्मल पानी से होती है, लेकिन उसके बाद जूस पिया जाता है, फ्रूट लिया जाता है, या तो फिर जो भी ड्राई फ्रूट रात को भिगो के रखा है वहां से शुरुआत की जाती है, और उसके बाद लिया जाता है ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में आज मैं बनाऊंगी स्प्राउट। तो मैं सोचती हूँ कि जो ब्रेकफास्ट होना वो थोड़ा सा हेल्दी हो, ताकि बैलेंस हो चुके हो सॉरी ताकि बैलेंस हो सके। जो भी दिन भर में प्रोटीन लेना है, विटामिन लेने हैं, मिनरल्स लेने हैं। किसी ने मुझसे पूछा था कि आपका बेटा कौन सी क्लास में पढ़ता है। जी, मेरा बेटा ना फर्स्ट क्लास में पढ़ता है। किसी ने मुझसे पूछा है कि आप YouTube और स्टडी दोनों को कैसे मैनेज करते हो, प्लीज रिप्लाई करना। डियर, स्टडी के लिए मैं अलग स्लॉट बना के रखती हूँ, जिसमें मैं पहले अपने टारगेट कंप्लीट करती हूँ। बीच बीच में जो ब्रेक होते हैं उसमें हल्का फुल्का मैं एडिटिंग का काम करती रहती हूँ, इसलिए आपको मेरे व्लॉग हमेशा एक दिन पुराने, दो दिन पुराने मिलते हैं। धीरे धीरे जब भी मेरे को दिन भर में टाइम मिलता है, मैं रात के टाइम पे व्लॉग को अपलोड करती हूँ, और दिन भर में जो टाइम मिलता है मैं उसमें एडिटिंग अपना जारी रखती हूँ। 5 मिनट लिए ब्रेक हुआ तो एडिटिंग कर ली, कभी टाइम है अभी पढ़ के मतलब थोड़ा थक चुका है माइंड तो वॉइस ओवर कर दिया, तो इस हिसाब से मैं मैनेज करती हूँ। मैं आजकल ना मैंने ये सोचती हूँ कि जो आपको मेरे इवनिंग में व्लॉग मिलते हैं आजकल 8-9 बजे के आसपास, रात ही हो जाती है तब, तो क्योंकि मैं ना सोचती हूँ कि 5-6 बजे तक मैं पढ़ाई करती हूँ जितना हो सकता है, बीच में ब्रेक होता है, बच्चे को संभालना होता है, थोड़ी बहुत जितना एडिटिंग होती है होती है, उस टाइम पर मैं ना एक बार पढ़ाई से ब्रेक लेती हूँ 2-3 घंटे का, उसमें भी थोड़ा बहुत एडिटिंग कर लेती हूँ। मेरे को ये रहता है कि मैक्सिमम टारगेट मैं सुबह से लेकर और शाम के 5-6 बजे तक कंप्लीट कर लूँ, ताकि एक फिर कंटिन्यूस ब्रेक मैं 2-3 घंटे का ले लूँ, थोड़ा सा उसमें एनर्जी थोड़ा सा डाउन हो जाती है पढ़ते पढ़ते, तो उस टाइम थोड़ा एनर्जी गेन करने के लिए, माइंड थोड़ा डाइवर्ट करने के लिए, उसके बाद मैं 8:30 या 9 o'clock वीडियो अपलोड करते ही वापस फिर पढ़ने के लिए अपना बैठ जाती हूँ। और वैसे सही देखा जाए तो मेरी पढ़ाई या तो मॉर्निंग में होती है या बेटे के स्कूल जाने के बाद होती है। 2 बजे के बाद भी पढ़ाई क्या हो गया, कभी न्यूज़पेपर का कोई आर्टिकल रीड कर लिया बेटे के साथ में, तो वही होता है, क्योंकि उसके बाद बेटे को भी संभालना पड़ता है स्कूल से आने के बाद, और उसको फिर उनका होमवर्क करवाना, वो सब कुछ में 5 बज जाते हैं। उसके बाद मैं थोड़ा सा खुद को रिलैक्स मैं करती हूँ, उस टाइम पे मैं थोड़ा बहुत एडिटिंग कर लेती हूँ, फिर मैं खाना खाते हुए कुछ वीडियो देख लिया, और उस टाइम पे मैं अपनी पढ़ाई रेगुलर वही शुरू कर देती हूँ। रात के 11-12 बजे तक मैं पढ़ाई करती हूँ। किसी दिन जल्दी सोती हूँ तो फिर मैं अर्ली मॉर्निंग उठ के पढ़ाई करती हूँ, लेकिन डेली का मेरा टारगेट रहता है कि मैं 8 घंटे की पढ़ाई कर लूँ। बेटे को स्कूल छोड़ने के बाद ना मैं यहाँ पे ना सुबह सुबह डेली पार्क में राउंड लगाती हूँ, और आज मेरी खीर गैस पे रखी थी, मेरे को था आज बिल्कुल खोआ खीर बनानी है अच्छी, तो मैं रख के मैं भूल गई, मैं बच्चे को स्कूल छोड़ के आई, उसके बाद मैं सीधा पार्क में चली जाती हूँ वॉक करने के लिए, क्योंकि एक बार घर पे आ जाओ तो फिर वापस नहीं निकला जाता वॉक करने के लिए। लेकिन एकदम से मेरे को ध्यान आता है कि भाई मेरी खीर रखी है, फिर जो मैं भागी हूँ, लेकिन थैंक गॉड मेरी खीर जो है बच गई, धीमी आंच पे थी और दूध काफी सारा था तो बिल्कुल भी खराब नहीं हुई, बहुत टेस्टी खीर बनी थी। मैं आपको दिखाऊंगी लुक बाद में,
और आपने किसी ने पूछा था कि आप ना मीठा में चीनी यूज करते हो क्या। जी डियर, मैं ना देसी खांड यूज करती हूँ, मेरे को लगभग 5-6 साल हो चुके हैं। चीनी हमारे घर में आती भी नहीं है 5-6 साल से, ना मेरे यहाँ पे ना मेरे ससुराल में, जहाँ पे इन-लॉज हैं वो भी देसी खांड यूज करते हैं। और देसी खांड ना बिल्कुल सही रहती है, व्हाइट कलर की नहीं, थोड़ा सा येलोइश कलर वाली देसी खांड, और सही में टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपको थोड़ा सा अजीब लगे चीनी की हैबिट छूटने में, लेकिन ट्रस्ट मी गाइज, ये बहुत हेल्दी वर्जन है। कॉफी में, खीर में, हलवे में, हर किसी चीज में मैं यही यूज करती हूँ। खीर खाते खाते बड़ा मजे के साथ मैं अपनी पढ़ाई करने में लगी हुई थी, लेकिन मेरे को बाद में एक आवाज़ सुनाई देती है बाहर से कि पट 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 हो रहा है, और बारिश हो रही थी बहुत तेज। उसके बाद जो मैं भागती हूँ बारिश में, मेरे को समझ में नहीं आता कि मैं खुद के कपड़े उतारूं, साथ में मैं पड़ोस वाले को आवाज़ लगा रही होती हूँ कि अपने कपड़े उतार लो, क्योंकि उनके कपड़े भी बाहर सूखे हुए होते हैं। तो जब भी बारिश होती है ना, हमारा यही काम होता है, अगर साइड वाले को दिख जाता है कि मैं बाहर नहीं आई हूँ और कपड़े गीले हैं, तो वो मेरे को आवाज़ लगाती है, नहीं तो मैं उसको आवाज़ लगाने लग जाती हूँ। और इस तरीके से ना मैं कपड़े यहाँ पे ऊपर एक शेड सी है, उसके नीचे इस तरीके से विंडो से बांध देती हूँ रस्सी को, ताकि पूरा ये शेड के अंदर आ जाए, क्योंकि जब बारिश बहुत तेज़ होती है ना तो वो छींटे ना बहुत दूर तक आते हैं। और इस तरीके से हमने भागा दौड़ी में अपने अपने कपड़े उतारे, लेकिन बाद में मुझे ध्यान आया कि यार कपड़े तो पीछे भी सूख रहे हैं, और आज बारिश ना मतलब बहुत तेज थी। इट्स रियली रेनिंग कैट एंड डॉग। आज मुझे लग रहा था कि जो पीछे वाले कपड़े हैं ना वो मैं रहने ही देती हूँ, लेकिन फिर मुझे लगा यार इनमें स्मेल हो जाएगी, क्योंकि मैं जब से मैंने बाहर वाले कपड़े उतारे ना तब से मैं अंदर आई, इतनी देर में तो इतनी तेज़ बारिश हो चुकी थी। बट फाइनली मैंने कपड़े उपड़े सब सेट करके मैं वापस लगी यहाँ पे अपना टारगेट पूरा करने के लिए, क्योंकि मुझे पता था अभी जितना टारगेट हो जाएगा हो जाएगा। एक बार फ्रेंड वाली मस्ती स्टार्ट हो गई, उसके बाद तो वहाँ जाने के बाद 6:30 होने वाले हैं इवनिंग में, इसलिए जितना हो सकेगा अभी मैं ट्राई कर रही थी कि मैं कर सकूँ, लेकिन। और एक और चीज़ मैं शेयर करती हूँ, जब हम अकेले होते हैं ना और हम इस तरीके से पढ़ते हैं कि हम दूसरे वाले सामने वाले किसी को पढ़ा रहे हैं, हालांकि हमारे सामने कोई मौजूद नहीं होता है, लेकिन हम ऐसा प्रिटेंड करके पढ़ाते हैं ना कि हम किसी को समझा रहे हैं कोई टॉपिक समझ के, तो सीरियसली मैं गाइज वो टॉपिक ना बहुत अच्छे से याद होता है, ट्राई करके देखना। और यहाँ पे ना इसने गंदे हाथ लगा दिए थे दीवार पे, तो मैं इसको साफ़ करने के लिए दिया था, ताकि बच्चों को थोड़ा सा रहे ना कि भैया हमें घर पर साफ़ सफाई रखनी चाहिए। और उसके बाद मैंने तैयार होने के लिए जैसे ही अपना कुछ सामान मैं निकालती हूँ, उसमें से यहाँ पर इसको ये क्या लगाते हैं माथे पे, मैं नाम भूल गई हूँ इसका, तो ये इसने को पता नहीं कहाँ से दिख गया, तो बोला कि मम्मा ये लगाओ, और मेरे बालों में ऐसे इसने ये टाई कर दिया। और फिर मैंने इसको रिमूव किया, उसके बाद फिर अपनी खीर अभी देखते हैं, फ्रिज में रखी थी मैंने, और जब बाहर निकाली थी तो बहुत गाढ़ी, बहुत थिक और बहुत यम्मी बनी थी, मेरे को तो बहुत तारीफ़ मिली थी। तो आप ना नॉर्मली दूध में जब चावल डालें उसके बाद उसको अच्छा सा खोलने दें, अच्छा सा उबलने दें धीमी आँच पे, जैसे मैंने उबलने दिया ऐसे तो मत रखना, भूल मत जाना, मेरी तो बच गई थी, अब तो आपके बच्चे नहीं बचे। उसके बाद ना जो मैंने ड्राई फ्रूट होते हैं वो इसमें कट कर दिए थे, मैंने कट किया था इसमें आलमंड और कैश्यूज और एक वो जो होता है वॉलनट। हाँ, एक चीज़ जो मैं आप सबको बताना भूल गई हूँ, खीर बनाते हुए जब खीर पक जाए ना लास्ट में, चीनी या फिर खांड जो आप डालते हैं उसको डालने से पहले, जो पोटैटो मैशर होता है ना अपने पास, जिससे हम पोटैटो को मैश करते हैं, उससे आप ना खीर को भी मैश कर देना। उससे क्या होगा कि दूध और चावल ना अलग अलग नहीं रहेंगे, वो मिक्स हो जाएंगे बहुत अच्छे से, और आपकी खीर बहुत टेस्टी बनेगी। और अभी हाथ में लेके अपनी जो डिश खीर, हम चल पड़े हैं फ्रेंड के घर पे। मनीषा की चोटी रखी है ना, मैं लोटा कौन ले आऊंगा, मैं सूत्रा नहीं हूँ, सबका सूत्र जो कंटेनर सुना होगा वो सुबह सारा कूड़ा तो और कौन सा मसाला, कौन सा मसाला है, चाट मसाला टमाटर के लिए।
प्याज ले लो, कहाँ है प्याज? ये एक निठल्ली है ये कोई काम नहीं कर। सारे एलो करो बारी बारी। सुदेश सुदेश काम दिखाओ 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 यारे, मेरी मजबूत है तू सारी आ जाएगी इसमें। और यहाँ पे ना प्याज जो मैं कट कर रही थी, एक तो उसने इतना रुला दिया, एक जो हम पूरी बनाने के लिए तेल रखा था उससे इतना धुआं धुआं आ गया आंखों में कि किचन को छोड़ के सब बेडरूम में यहाँ पे आ गई हैं। तो इसलिए कोई भी जज नहीं करेगा कि तुम बेड पे बैठ के ऐसा कर रहे हो वैसा कर रहे हो, ठीक है? और करना है तो कर लेना यार, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? पानी गोलगप्पे वाला तेरी एडिटिंग अच्छे तो होनी चाहिए तेरी वीडियो। कोई नहीं कोई नहीं, चल तू चल 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 ऐसे दोस्त ना सबको मिले प्याज छिलवा लिए, प्याज नहीं तेल, टमाटर भी आलू भी है, इतना तो मैं यूपीएससी फेल हो बाथरूम बन रहा हूँ ठूक क्यों चीरा है मेरा, मैं चीर दूंगी थोड़ा टाइम ले यार, लग ही रहने देना है, वैसे भी इसका दिमाग थोड़ा है तो चेंज करना चाहिए ना। एक डिश दे दिए तू, रेसिपी दे दी यार। आगे जब यूपीएससी नहीं होएगा ना, स्टेट पीजीएस भी नहीं होएगा, तुम्हारे घर आके ना रेसिपी दिया करो। इतना काम करूंगा बैठ पे बैठ बैठ के काम करूंगा ज्यादा हो गया पूरी दो मुझे भी कोई ये देखो हमारा शेफ गोलगप्पे की तैयारी। आधी रेसिपी काला नमक आ चुका तेरा, तेरे को पता भी नहीं था। फिर दोबारा रख लो तो हाय प्रिशा, हाय कर दो हेलो। ये क्या लड्डू? अच्छा दही भल्ले भल्ले इसमें क्या है? छोले
ये पनीर, ये करेले, दे दे भाई, दे 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 दे, ये मेरी खीर। कंजक पूजन है महिला पूजन, बच्चों की ना वो गिलास वो भी
और फाइनली अपना खाना खा के हस्बैंड के लिए यहाँ पे दही बल्ले पैक करवा के हम आ गए घर पे। उसके बाद मेरा पेट इतना फुल था, पढ़ाई करने का कोई मूड नहीं था और मैं आके सो गई। मुझे नहीं पता चला इन लोगों ने कब खाना खाया, और बस ये पता है कि आयुष जब मेरे पास सोने आया, और बस यही था आज का दिन, मस्ती भरा दिन।